आपके चहीते अनिरुद्ध बोंदता बंधने जा रहे हैं शादी के बंधन में। आइएगा जरूर विवाह महासप्ताह 13 सितंबर से कलर्स पर। लो ठाकुमा, रंग गई मैं अपने सखा बाबू के प्यार के लाल रंग, और अब ये प्यार का रंग मेरे ऊपर से कोई नहीं उतार सकता। और माँ, तुझे ऐसा लगता है ना कि सखा बाबू मुझे छोड़ के चले गए? पर देखना, मेरे सखा बाबू आएंगे, जरूर आएंगे, और मुझे बताएंगे कि वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। उधार और प्यार सोच समझ कर ना किया जाए तो नुकसान होता है। तेरे सखा बाबू तो लौट कर नहीं आने वाले, उन्हें जो नुकसान करना था वो कर चुके। खुद को देख जरा, पागल हो रही है तू, पागल। अगर प्यार के रंग में रंगना पागलपन है तो हाँ, हूँ मैं पागल, और मेरा ये पागल दिल कह रहा है कि मेरे सखा बाबू आएंगे, वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है उन पे। अब मैं ये उम्मीद का दिया तब तक जलाए रखूंगी जब तक मेरे सखा बाबू नहीं आ जाते। मुझे बस उम्मीद है कि बोंदता को मुझ पर भरोसा भी हो, अगर नहीं तो मैं उसका भरोसा जीतूंगा, उसे भरोसा दिलवाऊंगा और उसे बताऊंगा कि क्यों मुझे चंदन नगर से वापस आना पड़ा। अनिरुद्ध, उन्हें वादा किया था उससे कभी नहीं मिलेगा। आप मुझे वादा याद दिला रहे हैं काका। वो इंसान वादों की बात कर रहा है जिसने रिश्ते नहीं निभाए। वो चाहता है कि मैं एक वादा निभाऊं। भूल गए कि आपने छल किया मेरे साथ, आपने षड्यंत्र रचा, आपने शाश्वती का फायदा उठाया काका। आप शाश्वती का बाल विवाह करवाने वाले थे, और क्यों आप मुझे वापस आने के लिए मजबूर कर सको। जो इंसान रिश्तों की कद्र ना करे वो वादों की बात तो ना ही करेगा। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं बोंदता के पास जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, प्यार भी निभाऊंगा और वादा भी। घर के सारे टेलीफोन के तार काट दो, बाहर चौकीदार खड़े कर दो, अनिरुद्ध रॉय चौधरी घर में घुसने ना पाए, और अगर उसने घर में घुसने की कोशिश की तो उसे जान से मार दो। गहने अपने हाथों से बनाए मैंने, ऐसा लगा कि सखा बाबू यहां आए थे।
वहीं रुक जाओ बंधुता, मैं तुम्हें मिल नहीं सकता। काका से किए वादे की मजबूरी से बंधा हूं मैं, लेकिन हाँ, रिश्तों के वादों के लिए अपने प्यार के बंधन को भी टूटने नहीं दूंगा मैं, तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा बंधुता। और इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं कि क्यों मुझे तुम्हें चंदन नगर में अकेला छोड़कर आना पड़ा, क्यों मजबूर हो गया मैं ऐसा करने के लिए। मुझे माफ करना पवनता, माफ करना, पर मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता था। इन दो गांवों के बीच दुश्मनी की जो आग लगी है, उस आग में मैं उन मासूम बच्चियों का भविष्य नहीं जलने दे सकता था। मेरे एक निर्णय पर शाश्वती और तुलसीपुर की बाकी सभी लड़कियों का पूरा भविष्य निर्भर था बंधुता। वो निर्णय गलत नहीं हो सकता था, वो निर्णय स्वार्थ से भरा नहीं हो सकता था। सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए मैं उन बच्चियों के भविष्य को उस कुप्रथा की आग में नहीं ढकेल सकता था। बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं बंधुता, और करता रहूंगा। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारा नाम लेगी। हमारे दिल जुड़े रहेंगे बंधुता, पर हम एक नहीं हो सकते बंधुता। सबकी भलाई के लिए हमें हमें हमारे रिश्ते को त्यागना होगा बंधुता। एक नहीं हो सकते, नहीं बन सकते किसी बंधन में। हमारे बीच रिश्ते की कोई डोर नहीं होगी बंधुता। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे, और अगर ना समझो तो मैं तुम्हारा गुनहगार बनने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ तुम्हारी हर सजा पाने के लिए। तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ बंधुता, पर शाश्वती और तुझे पूरी बाकी बच्चियों का भविष्य मैं खराब नहीं कर सकता। बंधुता मैं तुम्हें सखा बाबू, सबके भलाई के लिए दूर होना जरूरी है क्या? क्या हमारा प्यार सबके पास आने की वजह नहीं बन सकता? बंधुता मैं सखा बाबू, मैं जानती हूँ अब शाश्वती के साथ और गांव की बाकी लड़कियों के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, और ये भी जानती हूँ कि आप अपने प्यार के साथ भी कभी गलत नहीं होने देंगे। पर सच ये है कि हमारे दूर होने से सबके दिलों की दूरियां कम नहीं होंगी। हमें एक साथ मिलकर हमारे प्यार को हथियार बनाकर दुश्मनी से लड़ना होगा, और सखा बाबू मुझे पूरा विश्वास है हम दुश्मनी को मिटाएंगे, हम एक होंगे और एक बंधन में बंध पाएंगे। और सखा बाबू, अगर छोड़ना ही है तो एक दूसरे को क्यों छोड़े? हमें दुश्मनी छोड़नी चाहिए। अगर अलग होना है तो एक दूसरे से नहीं, दुश्मनी से होना है। अगर वादा करना है तो दूर होने का नहीं, बल्कि दूरियां मिटाने का करना है। अब ये वादा करते हैं कि हम प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारे प्यार से दुश्मनी के जंजीरों को तोड़ेंगे। और सखा बाबू, जब तक हमारे प्यार की लौ दुश्मन के सीने में नहीं जला लेते, तब तक कोई सुख नहीं है जिंदगी। सखा बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? अपने शिक्षक बाबू के पैर छू रहा हूं बंधुता। हाँ बंधुता, आज मेरी शिक्षक बाबू बन गई,
आज तुमने मुझे एक नया पाठ पढ़ाया, एक नया रास्ता दिखाया। थैंक यू मुझे समझाने के लिए कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना है। हम दूर नहीं होंगे बंधुता, और मैं वही राह चुनूंगा। दोबारा कभी अपने प्यार को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि हम साथ मिलकर दुश्मनी को दूर करेंगे। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। जवाई बाबू, ये लीजिए रसगुल्ले खाइए। टुपुर, ये लो, तुम भी खाओ। टापुर, माँ। क्या है, इतना शोर क्यों मचा रही है? ये लीजिए रसगुल्ला खाइए। किस खुशी में? सब रसगुल्ले खाओ, चलो। क्या हो रहा है? काका, रसगुल्ले लाया हूँ बच्चों के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है ना? क्यों, किसी का जन्मदिन है? किसी का जन्मदिन तो नहीं है, लेकिन एक नई सुबह का जन्म जरूर हो रहा है। एक ऐसी सुबह जहाँ दुश्मनी नहीं होगी, जहाँ सिर्फ शांति और प्यार होगा, वो भी कृष्णा नगर और तुलसीपुर के बीच। खाइए, ये लीजिए। सपने देखना बंद कर दे। अब से तुलसीपुर और कृष्णा नगर के बीच दुश्मनी नहीं, सिर्फ दोस्ती होगी। नफरत नहीं, प्यार के रिश्ते बनेंगे काका। आप हमें नहीं खाने रसगुल्ले, तुम ही खाओ रसगुल्ले। क्या हो गया है बांधिता को? पागल हो गई है क्या? इस तरह बच्चों के साथ गाने से शांति आ जाएगी? नहीं ठाकुर माँ, मैं अनिरुद्ध और बांधिता की इस कोशिश को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं दोस्ती के लिए बनाई हर जमीन को जला दूंगा। चंद्रचूड़ बाबू, चंद्रचूड़ बाबू, ये क्या किया आपने चंद्रचूड़ बाबू? खुद अपने ही कृष्णा नगर को जाने वाला बिजली का तार काट दिया, इससे तो लोगों का काम धंधा रुक जाएगा, खेतों में सूखा पड़ जाएगा, जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है वो लोग मर भी सकता है। मरने दो, मेरे होते हुए अनिरुद्ध और बांधिता कभी शांति नहीं ला सकते। जाओ, जाके गांव गांव में ये बात फैला दो कि बैरिस्टर बाबू ने पानी का पाइप बिजली की तार काट दिया। मतलब अपने ही लोगों को मारेंगे आप, और इल्जाम आएगा वो बैरिस्टर बाबू पर? बिल्कुल, क्योंकि जंग में जीतने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो कुर्बानी दो या कुर्बानी लो। और चंद्रचूर कभी कुर्बानी देता नहीं, लेता है। 8 साल पहले भी मैंने ही कुर्बानी ली थी उस अनिरुद्ध रॉय चौधरी की, जब वो हवेली में आया था अपना शांति प्रस्ताव लेके माफी मांगने ठाकुमा से। वो बेवकूफ गोली खाने के लिए भी तैयार हो गया। इसी बात पे शायद ठाकुमा पिघल गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया। उस समय भी दुश्मनी खत्म हो सकती थी तुलसीपुर और कृष्णा नगर के बीच, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। 8 साल पहले हवेली में जो बम धमाका हुआ था वो हाँ, वो रॉय चौधरी ने करवाया था। मैंने किया था। अनिरुद्ध रॉय चौधरी जिस दुश्मनी की आग को बुझाने आया था, उसके बदले मैंने ऐसी आग लगाई कि मेरे खुद के सास ससुर स्वाहा हो गए और टुकुर भी जल गए। थप्पड़ सिर्फ एक गाल पर लगे ये तो काफी नहीं, इसलिए मैंने रॉय चौधरियों के खाने में भी जहर मिलाया। वो भी मैं ही था जिसकी वजह से बिनॉय रॉय चौधरी पागल हो गए। एक बार फिर से दुश्मनी की ऐसी आग लगाऊंगा कि आने वाली
पीढ़ियां याद रखेंगी। एक बार फिर से होगा प्यार का, दोस्ती का, शांति का। राम नाम उसे सत्य है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध क्या कर रहा है तू? तुम यहां ये शांति का संदेश रंग रहे हो और वहां वो कृष्णानगर वालों ने अपना असली रंग दिखा दिया। अरे कुल्फी वाले के भेष में अपने जासूस को भेजा, बच्चों को जहरीली कुल्फियां खिला दी। कितने सारे बच्चे बीमार हैं, दास बाबू का बच्चा मौत की कगार पे है। ऐसा नहीं हो सकता। वरिष्ठ बाबू अपने भी बच्चे बीमार पड़ गए, उन्होंने भी खुद बिगाई थी। हालांकि दवा दे दी गई है, फिर भी अभी भी उनकी हालत बहुत खराब है। बताओ बताओ क्या करना है? हम मंगवाएं सफेद कबूतर, शांति का संदेश भिजवाओगे और या फिर लोगे बदला? दादा को कुछ करने की जरूरत नहीं है काका, मैंने बदला ले लिया है। मेरे ठाकुर माँ की हवेली जलाने के लिए अपने कुछ आदमियों को पहरेदारों के भेष में भेजा है कृष्णानगर। तुलसीपुर के एक बच्चे के जान के बदले सबके सब जलकर मरेंगे। अरे कैसे लगे यार? अरे आग कैसे लगी है? अरे कोई बचाओ इसे! अरे कोई बचाओ इसे! अरे अरे ये आग कैसे लगी? अरे बचाओ! अरे अरे कोई पानी लो! अरे आग बुझाओ इसे! पानी लो, कोई पानी लो! अरे ये लोगो यहाँ पे नहीं बचाओ! अरे ये लोगो, अरे पानी लो, कोई पानी लो! आग कैसे लगी? बांधिता दीदी बचाओ कोई तो! आग आग बचाओ बांधिता दीदी! आग, हे भगवान, कोई है बाहर? खोलो ठाकुमा, पहरेदार, अरे दरवाजा खोलो!